आप अपना नाम अपने बारे में बताइए। पहले तो नमस्कार हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को, मेरा नाम माही खान है और ये मूवी जुग जुग जियो हो ललनवा जिसकी आज मुहूर्त है, जिसमें सारे लोग आए हुए हैं और इस मूवी की शूट कल से स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर हैं राकेश जी, प्रोड्यूसर राजेश जी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अखिलेश जी, इन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। इस मूवी में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, उन सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी। और बहुत ही फैमिलियर फिल्म है, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब ये फिल्म थिएटर में लगेगी और हमारे जितने भी ऑडियंस है वो देखेंगे तब। और रही बात मेरे किरदार की, तो मैं इसमें बिहार में एक जगह दरभंगा वहाँ की बहू का एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि बहुत ही नटखट और चुलबुली टाइप की होती है। जब वो गांव में आती है तो सारे लोगों का अट्रैक्शन ऑफ द सेंटर रहती है, तो बहुत ही अच्छा रोल है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जितने भी ऑडियंस है, जहाँ तक मेरी ये वीडियो जा रही है, आप सभी से कि आप लोग ज़रूर देखिए इस मूवी को। और इस मूवी में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके नाम क्या था, डॉक्टर लिखा जाता है उसको बता दीजिए, डॉक्टर क्यों, आप डॉक्टर हैं या? जी बिल्कुल, मेरा पूरा नाम डॉक्टर माही खान है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल पटना से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, इसलिए मैंने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है। तो प्रैक्टिस करना और एक्टिंग करना कैसे मैनेज किया? मैनेज नहीं, मैं लगभग 2 साल पहले तक मैंने प्रैक्टिस किया है, इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी किया है। उसके बाद ये फैमिलियर इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं खुद बचपन से चाहती थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करूं, तो पहले मम्मी पापा का सपना पूरा किया और उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपने सपने को साकार करने आई। के जी हैं सर, हैं साथ में, और आप क्या करना चाहेंगे? सब लोग बहुत अच्छे हैं, गोस्वामी जी को तो जानती हूँ, बहुत पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और अजय सर से आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ, नेचर वाइज बहुत अच्छे लगे हैं, और साथ में चूँकि काम करना है इस मूवी में भी, मोस्ट वेलकम, साथ में इस मूवी में काम करना है तो वाकई बहुत मज़ा आने वाला है सेट पे, बहुत इंटरटेनिंग ये मूवी है, बहुत फैमिलियर फिल्म है, तो जितने भी हमारी ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली के गोस्वामी जी से मैं एक मूवी के सेट पर मिली थी, और इनकी चूँकि मिजाज है ये सबसे हंसते बोलते रहते हैं, किसी से भी छेड़खानी करते हैं, खासकर भाभी लोग जितनी भी होती हैं उनसे ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, तो इसीलिए ये सेट पे थोड़ा सा इनके तरफ सबका अट्रैक्शन था, सारे लोग इनको देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, तो मैंने भी नोटिस किया था, वहीं पे इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। एक्चुअल जो हमारी माही खान जो बोल रही हैं, आपका शुक्रिया, थैंक यू, लेकिन माही जी मेरे जैसे शक्ल के किसी और से मिले थे, क्योंकि वो मैं अभी तक वो जहानाबाद सासाराम मैं गया ही नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले भी बोला था, तो मैं चुपचाप करके मैंने रह गया, मैं बोला बाद में बताऊँगा। वो मेरे जैसे दिखने वाले दूसरे थे, लेकिन मैं माही जी से पहली बार यहाँ मिला हूँ, और माही जी के लिए बहुत सारी गुड विशेष है, और माही जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा ना, आपके फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास, नेक्स्ट इंटरव्यू होगी तो उसमें उस फोटोग्राफ्स को मैं फ्लैश करूंगी जरूर। श्योर, एक नई खबर हाँ, कि किसने गलत बोला, माही खान नहीं या के गोस्वामी जी ने। चलिए, वैसे है नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है, सबसे घुल मिल कर रहते हैं सेट पर, और रहना भी चाहिए क्योंकि सेट पर जितने भी लोग हैं सब एक लाइक अ फैमिली मेम्बर ही होते हैं, और यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं सब नेचर वाइज बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आने वाला है साथ में काम करके। नहीं, अखिलेश जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, मूवी बबली की बारात है उसमें मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है, उनके साथ ये मेरी दूसरी मूवी है जी। हमारे फैंस जितने भी ऑडियंस हैं सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये मूवी जब भी रिलीज़ हो तो आप लोग थिएटर में जा करके ज़रूर देखें, और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमेशा यूँ ही बनाए रखें। थैंक यू।